जी एक खबर मिली है। क्या हो गया? पर मुझे पता नहीं है ये अच्छी खबर है कि बुरी खबर है। ओके, क्या खबर है? कंफ्यूजन है बिकॉज माय फेवरेट श्रेयस अय्यर एंड द वेरी वेरी टैलेंटेड ईशान किशन, इन दोनों का ही नाम नहीं है इन द बीसीसीआई प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट। करेक्ट। क्यों भाई? देखिए रोहित शर्मा गुहार लगा रहे हैं कि भाई जो प्लेयर फिट है वो डोमेस्टिक खेले, वो रणजी खेले। राहुल द्रविड़ बार बार बोल रहे हैं कि आप अगर फिट हो घर पर मत बैठो, रणजी खेलो। बीसीसीआई सेक्रेटरी जयशाह साहब बोल रहे हैं कि आप खेलो। तो रणजी हमारी धरोहर है, उसका सम्मान रिस्पेक्ट। तो ये कहना है हमारे जो कोचेज हैं और जो बीसीसीआई बोल रहे हैं कि भाई करना पड़ेगा, पर प्लेयर उनकी बात नहीं मान रहे, नहीं खेलने का इसलिए फैसला आया है। और ये एक सख्त फैसला, कड़ा फैसला है। मुझे याद नहीं कि भारतीय क्रिकेट के इतिहास में ऐसा कड़ा फैसला पहले कभी आया हो। सरेश अय्यर खासतौर पर बहुत उम्दा प्लेयर है, बहुत जबरदस्त खेले वर्ल्ड कप में, शतक मारा था, 70 बॉल पे 100 लगाया था अगेंस्ट न्यूजीलैंड वानखेड़े पे, विराट कोहली के साथ बहुत जबरदस्त खेले। उनका नाम भी नहीं है, 30 प्लेयर्स की लिस्ट है। तो कड़ा फैसला, बट ऐसा नहीं है। आई थिंक बीसीसीआई इज लर्निंग फ्रॉम मी, यू नो, स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग बट विद सम लव, बिकॉज रिमेम्बर अश्विन के केस में उन्होंने चार्टर्ड प्लेन कराई थी, चार्टर्ड प्लेन की थी, राजकोट का टेस्ट मैच था, उनकी मॉम थोड़ा बीमार थी, उनको भेजा कि आप जाओ मॉम से मिल के आओ, प्राइवेट प्लेन कराई थी अकेले उनके लिए। तो गए, मिल के आए, तो जब जरूरत पड़ती है बीसीसीआई प्लेयर के साथ खड़ी भी है। पर यहाँ कड़ा फैसला, सख्त फैसला।